की गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नहीं की, उनके साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की है। ये जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत ने मध्य प्रदेश से 15 साल बाद सरकार बनाई है, और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना, एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं, क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं आज। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है, कर्ज माफी का क्या हुआ? भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ? व्यापम का क्या हुआ? ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं, और किसी प्रकार का संपर्क और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेशनल बूथ हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर।